बेटा जय माता जय दी। माता दी। मेरे को ये तेरे को बताना है कि मेरे को कोई मिला था लड़का, तो वो ये कह रहा था कि आपका बेटा बाहर देश कैसे गया था। अच्छा, तो बाहर देश जाने के बारे में बता कि तू कैसे गया था। तो ज़्यादातर जो पढ़ने के लिए ज़्यादातर जो जाते हैं यहाँ से बाहर, वो सारे पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहे कनाडा जाते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूके जाते हैं, यूएस जाते हैं, सब स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा का स्कोप बहुत ज़्यादा आता है। परमानेंट डायरेक्ट एंट्री भी है अगर आपके पास यहाँ पे इंजीनियरिंग की या कोई डिग्री है और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसमें डायरेक्ट एंट्री भी होती है, लेकिन उसमें और प्रोसेस बहुत लेंदी है और उसमें जो वेटिंग पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है। तो सबसे इजी एंट्री होती है स्टूडेंट वीज़ा। अब स्टूडेंट वीज़ा में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जब यहाँ से एजेंट्स होते हैं तो एजेंट्स क्या करेंगे, वो आपको वहाँ के सबसे बड़े कोर्स में या सबसे महंगे कोर्स में आपका एनरोल कराएंगे, क्योंकि उनको जो मतलब होता है वो होता है उनकी कमीशन से, जिनको कमीशन मिलती है बिटवीन 15-30% कमीशन मिलती है। तो वो क्या करेंगे, वो आपको सीधा बैचलर डिग्री में या मास्टर्स प्रोग्राम में आपको एनरोल करा देंगे। फिर आप वहाँ जाओगे तो आपके ऊपर डबल प्रेशर आ जाएगा, एक तो पास होने का प्रेशर, दूसरी बात है कि जो यूनिट्स होती है डिग्री प्रोग्राम में, मास्टर्स और बैचलर्स में, पर यूनिट बहुत एक्सपेंसिव होता है। जब तक आप वहाँ के पढ़ाई के एक्सटम्ड होते हो तब तक आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, कई बार बच्चे यूनिट पे फेल भी कर जाते हैं। तो जितने ज़्यादा जितने भी बच्चे मेरे को पूछते हैं कि भैया हम ऑस्ट्रेलिया कैसे जाते हैं, मैं ये कहता हूँ कि भाई डिग्री प्रोग्राम में इनरोल ना करके आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट 4 प्रोग्राम में इनरोल करके जाओ। उसके क्या फ़ायदे होते हैं, उसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप सर्टिफिकेट 4 या डिप्लोमा प्रोग्राम में इनरोल होते हो तो सर्टिफिकेट 4 और डिप्लोमा अगर आप दोनों मिलाओगे तो कम से कम 2 साल का या 3 साल का कोर्स बैठ जाता है, जिसकी जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट आपके डिग्री के एक सेमेस्टर के जितनी आएगी। तो यानी कि आपने 2 साल में उतना पैसा खर्च किया जितना आप एक सेमेस्टर में यहाँ 6 महीने में खर्च हो गए। दूसरी बात यह है कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट 4 का क्राइटेरिया ये होता है कि आपने अगर सर्टिफिकेट 4 कराया तो उसमें आपको मिनिमम 100 आवर्स का एक्सपीरियंस आपको कॉलेज करवाएगा उसी फील्ड में। तो यानी कि जब आप सर्टिफिकेट 4 करके निकलोगे तो आपके पास 100 आवर्स का एक्सपीरियंस भी मिलेगा, जबकि डिग्री में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता। बहुत कम डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ की प्लेसमेंट होते हैं जहाँ पर वो आपको डायरेक्ट प्लेस कराते हैं, नहीं तो जैसे ही आपका डिग्री ख़त्म हुई फिर आप अपने ऊपर आप अपने आप ढूंढो अपनी इंडस्ट्री। फिर दूसरा फायदा ये होता है कि अगर आपने डिग्री प्रोग्राम में इनरोल करा और आपसे डिग्री चल नहीं रही है, आप डिग्री नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा कि आप उसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं। आप डिग्री में इनरोल होने के बाद आप उसे कैंसिल करा के डिप्लोमा में एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन प्रोफाइलिंग के ऊपर काम करती है सारा प्रोफाइलिंग, तो आपका प्रोफाइल बन जाता है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है। फिर उसमें आपको आगे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, वीज़ा इशूज वगैरह होने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए आप पहले ही डिप्लोमा में जाओ, डिप्लोमा करो, आपके पास इनफ टाइम हो जाएगा कस्टम कल्चर एक्सटम्ड होने में, आपको वहाँ के इन्स एंड आउट्स पता चल जाएंगे, फाइनेंशियल प्रेशर कम पड़ेगा और आपको वहाँ का लोकल एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको लगे फिर आप डिग्री में चले जाओ। ठीक है, तो मैं तुझे उससे मिलवा दूंगी और उसे बता दियो ठीक से। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है, इसमें मैं आगे ये भी बताऊंगा कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको किस किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए जो आप यहीं से कर सकते हो, ताकि आपका वहाँ जाने में आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, दिक्कत ना हो और आप इजीली वहाँ पे जॉब भी ढूंढ पाएँ, लोकल रेफरेंसेस भी ढूंढ पाएँ। और हाँ, तो जिनको बाहर का आइडिया नहीं है तो वो लोग तो टेंशन में रहते हैं ना कि कैसे कोई हमें बताए कि भाई कैसे जाना है, क्या करना है, तो इसके लिए फिर उससे मिलके उसे बता दियो, टेंशन को उसका थोड़ा कम। हाँ, अब उसी के लिए तो ये वीडियो भी है, उसको लिंक भेज देंगे, वो देखिएगा। तो ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता होता कि हम बाहर जाएं तो कैसे जाएं, क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स मेले सही है, कौन सा कोर्स नहीं है। फिर कई बार एजेंट ने गलत भी, एजेंट को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितने ब्राइट हो पढ़ने में, उनको एक मतलब है आप पैसा दो वो पैसा लेंगे, बस उसके बाद आप अपने ऊपर उनका काम खत्म, उसके बाद वो कोई टेंशन नहीं लेते, उनके बाद वो दूसरा स्टूडेंट ढूंढेंगे भेजने के लिए। तो इसलिए ये तो आपको डिसाइड करना है कि आप अगर 25-30 लाख रुपए डाल रहे हो तो आप उसे सिर्फ, उससे अच्छा तो 25-30 लाख रुपए में बिजनेस यही कर लो। ठीक है ना, ठीक है, ठीक, अच्छे से समझा देना उसे, उससे मिलवा दूंगी तेरे को और ठीक से समझा देना।